तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किमी कंपनी की ट्रिमर मशीन को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन इसके अंदर नॉलेज आपको बहुत सारी मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो ट्रिमर मशीन है इसको खरीदे मात्र 1 महीना हुआ है, लेकिन 1 महीने के अंदर ही इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब इसको हम चार्ज करते हैं, ना तो इसके अंदर रेड लाइट हमारी जल रही है, ना ये मशीन हमारी ऑन हो रही है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपके ट्रिमर मशीन के अंदर आए, तो देखिए किस तरीके से आपको कौन सी चीज सबसे पहले चेक करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले ये देखिए इसके साथ का जो चार्जर आता है इसको चेक करना है। अब इसके अंदर क्या चेक करना है फ्रेंड, इसके अंदर हमें ये चेक करना है कि भाई ये जो चार्जर है यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंदर से जो चार्जर का हमारा सर्किट होता है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है, और ये जो वायर है इसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं से वायर अंदर ही अंदर खराब हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिलती। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या रहेगा कि यहाँ पे इसको सप्लाई देके यहाँ पे वोल्टेज को चेक करना है। तो चलिए हम इसे भी चेक कर लेते हैं। तो इसे चेक करने के लिए ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा मेन एक्सटेंशन बोर्ड है, इसके अंदर हम इसको लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसको लगा दिया है, और यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे। अब उसके बाद हमें अपना मल्टीमीटर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर को हम यहाँ पे DC 20 वोल्टेज पे सेट करेंगे। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो प्रोब है इससे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये जो इसके अंदर होल है, तो इसके अंदर हम प्रोब को डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हम दोनों प्रोब को डाल के देखेंगे कि भाई वोल्टेज हमारी आ रही है कि नहीं आ रही। पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि 5.19 के आसपास हमें वोल्टेज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि ये जो एडेप्टर है भाई, ये तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैं इसके अंदर आपको चार लगा के दिखा दूं, तो ये देखिए इस तरीके से जब मैं चार लगा रहा हूँ तो ट्रिमर मशीन के अंदर कोई भी डिस्प्ले के अंदर लाइट वगैरह शो नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, सबसे पहले अपनी ट्रिमर मशीन को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दो पेज यहाँ पे है और एक पेज यहाँ पे है। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, इन तीनों पेज को खोल लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके तीनों पेज को खोल लिया है। अब उसके बाद इसके ऊपर का जो कवर है इसको हम इस तरीके से इजिली हटा लेंगे, इसको रखेंगे हम साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, ये जो हमारी ट्रिमर है इसके अंदर इतना बड़ा हमारा सर्किट लगा होता है, और इसके अंदर काफी सारे छोटे बड़े कंपोनेंट हमारे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज मुझे दिखाई दी कि इसके अंदर देखिए ये वायर यहाँ से हल्की सी कट गई है। दरअसल में क्या था कि ये वायर यहाँ पे लगी हुई थी और इसको शायद पेच कसते समय इसके अंदर ये फंस गया, और जिसकी वजह से वायर हमारी कट गई है। बिल्कुल अलग नहीं हुई है, लेकिन यहाँ से वायर हमारी कुछ कट गई है। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इस पिन को हम दोबारा से सप्लाई देंगे, और ये जो दो पॉइंट है यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ तक वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। पता चले कि ये वायर कट गई है जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही, तो इसको भी हमें कंफर्म करना है। तो इसको देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने पिन को लगाया। अब हम दोबारा से मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीमीटर का हमें बीच बीच में यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मल्टीमीटर के बिना हमें वोल्टेज का सही प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि 5.20 के आसपास हमें वोल्टेज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि ये वायर अंदर ही अंदर जुड़ी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से इसका सिर्फ कवर कट गया है हमारा, तो यहाँ तक वोल्टेज आ रही है। अब यहाँ तक मान लो आपकी वोल्टेज आ रही है चेक करने पे, तो अब आपको क्या चेक करना है, अब हमें यहाँ पे चेक करना है। ये देखिए यहाँ पे B- लिखा हुआ है और यहाँ पे B+ लिखा हुआ है। तो बैटरी वाली जो टर्मिनल है यहाँ पे हमारी जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज को चेक करना है कि भाई यहाँ पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरीके से जब मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि इसका जो सर्किट है इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है। और ज्यादातर केस में मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि जो इसकी ये हमारी मेन IC होती है इसी के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में फ्रेंड इस टाइप की जो IC है ये मार्केट में मिलती नहीं है। अगर आपके पास कोई पुराना सर्किट है तो उसके अंदर से आप इस IC को रिप्लेस कर सकते हो, अगर आपके पास सेम मॉडल की ये ट्रिमर है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट्स वगैरह कुछ भी खराब नहीं है। अगर आपको कुछ जला हुआ दिखाई दे, जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हो काफी छोटे छोटे हमारे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं, अगर कुछ जला हुआ दिखाई दे तो आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हो। फिलहाल मुझे ये सर्किट बिल्कुल ओके दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे
वोल्टेज यहाँ तक आ भी रही है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस सर्किट को पूरे निकाल देंगे। देखिए इस सर्किट को हम निकाल के इसको बाईपास करना आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बिना सर्किट के भी अपनी ट्रिमर मशीन को चला सकते हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे भाइयों की रहती है कि उनका जो सर्किट है ये खराब हो जाता है, और जब वो दुकान पे या मार्केट में ले जाते हैं रिपेयर करवाने, तो दुकान वाला बोलता है भाई इसका सामान मार्केट में नहीं मिलता तो ये रिपेयर नहीं होगी। लेकिन मैं आज का जो तरीका आपको बता रहा हूँ, इसकी मदद से आप बिना सर्किट के भी अपनी ट्रिमर को चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसके लिए हम सबसे पहले इसके देखिए ये जो दो पेच है इसको हम खोलेंगे इस तरीके से। पहले इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इसके जो दो पेच है इसको हम खोल लेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना फ्रेंड, ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है, और अगर आपने इस तरीके से समझ लिया तो आप किसी भी मॉडल की ट्रिमर को बड़े आराम से इस तरीके से रिपेयर कर पाओगे, उसके सर्किट को निकाल के भी आप अपनी ट्रिमर को चला पाओगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने दोनों पेच को खोल लिया है, और इसको देखिए हम इस तरीके से पूरा का पूरा बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ से हमने निकाल लिया। अब इसके अंदर देखिए ये हमारा सर्किट लगा हुआ है, तो इसे हमें निकालना है, तो इसका सिर्फ हम स्विच रखेंगे, ठीक है। और जो इसकी बैटरी है फ्रेंड, इसकी बैटरी भी जिस कस्टमर का है उन्होंने मुझे बताया कि जो इसकी बैटरी है वो मुश्किल से 10-15 मिनट चलती थी, तो यहाँ पे हम इसकी बैटरी को भी रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम इसकी मोटर को ही यूज में ले रहे हैं, तो यहाँ पे मोटर को भी हम चेक करेंगे एक बार पहले, क्योंकि मोटर भी कई बार खराब हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये जो सर्किट है ये खराब है, तो इसको हमें निकाल देना है। तो मोटर को देखिए चेक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कोई भी मोबाइल की बैटरी या फिर दूसरी जो लिथियम आयन बैटरी है इसको सिंपली ले लेना है। और इसके अंदर एक बार मैं वायर को जोड़ लेता हूँ, और वायर जोड़ के एक बार हम यहाँ पे इसको सप्लाई देके चेक कर लेंगे कि भाई मोटर सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बैटरी के अंदर वायर को जोड़ लिया है, और इसी बैटरी को हम इस ट्रिमर के अंदर लगाएंगे। इसके अंदर जो पहले से बैटरी लगी हुई थी, तो जिस कस्टमर की ये ट्रिमर है उन्होंने बताया था कि मुश्किल से 5 से 10 मिनट के आसपास ही कई बार बैकअप देती थी, और कई बार उससे भी कम देती थी, तो इसलिए कस्टमर ने बैटरी को भी रिप्लेस करने को बोला है। तो यहाँ पे देखिए हम इस बैटरी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मोटर को हम चेक कर लेते हैं, तो बैटरी की दोनों वायर को मोटर की दोनों वायर के साथ में टच करके हम देखेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो हमारी ट्रिमर की मोटर है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पे इस बैटरी को हमें फिट करना है, तो इसके लिए देखिए फ्रेंड सबसे पहले हम डबल टेप लेंगे, ये मेरे पास डबल टेप है, और इसको हम यहाँ पे अच्छे से चिपका लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें चिपका लेना है, हमने चिपका लिया, और यहाँ से इसको काट देंगे, और ये जो हमारी बैटरी है इसको हम देखिए यहाँ पे चिपकाएंगे, इसको इस तरीके से निकाल देते हैं इसके रैपर को, और बैटरी को हमें यहाँ पे चिपकाना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें फिट कर लेना है, तो यहाँ पे बैटरी हमारी अपनी जगह पे फिट हो गई, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए देखिए फ्रेंड, हमें इस टाइप का जो TP4056 मॉड्यूल आता है इसे यूज करना है, और इसके अंदर देखिए कनेक्शन कहाँ पे करने हैं, यहाँ पे देखिए B+B-, तो यहाँ पे हमें बैटरी की प्लस माइनस वाली वायर को जोड़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैटरी की प्लस माइनस वाली वायर को जोड़ेंगे, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो हमारा B+ है ये देखिए इस साइड में, तो यहाँ पे बैटरी की प्लस वाली वायर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने B+ वाली वायर को जोड़ दिया, और उसके बाद देखिए फ्रेंड ये जो बैटरी की माइनस वाली वायर है इसको B- पे यहाँ पे जोड़ना है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैटरी की माइनस वाली वायर को भी जोड़ दिया है, तो इतना काम हो गया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड हमें क्या करना है, ये जो मोटर है मोटर की एक वायर को लेना है, ठीक है। अब इस वायर को हमें कहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ना है B- वाले पॉइंट पे, एक वायर को आपको ले लेना है। तो इसकी वायर छोटी है, तो इस वायर को मैं थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने मोटर की एक वायर को बड़ा कर लिया है, और इस वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे हमारी बैटरी की माइनस वाली वायर जुड़ी है, यहीं पर हमें इसको जोड़ देना है। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस वायर को जोड़ दिया। अब उसके बाद हमें एक और वायर का टुकड़ा लेना है, तो ये देखिए फ्रेंड मैंने एक वायर का टुकड़ा लिया है रेड कलर का, तो ये जो रेड वाली वायर है इसको बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पे यहीं पे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस रेड वाली वायर को भी जोड़ लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड इसके अंदर जो हमारा स्विच लगा हुआ था उसके अंदर ये वायर जाएगी, तो यहाँ पे देखिए ये जो पहले से वायर लगी है इसको हम हटा देंगे इस तरीके से। देखिए ये जो पहले से वायर लगी है इसको हमें हटा देना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने हटा दिया। अब ये स्विच हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे था, ये देखिए यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था, तो इसको हम इस तरीके से पहले फिट कर लेंगे स्विच को। देखिए यहाँ पे अपनी जगह पे स्विच आ गया, तो मोटर की एक वायर को तो हम इस साइड में जोड़ देंगे। ये देखिए एक वायर को मैंने इस साइड में जोड़ दिया।
ये मैंने जोड़ दिया। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, मोटर की एक वायर तो हमारी यहाँ पे आई है, ठीक है, और एक ये जो बैटरी के प्लस से हमने वायर को लिया है, इसको यहाँ पे जोड़ दिया है। तो इस तरीके से इतना काम हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा चार्जिंग वाला पिन था, इसको हमें यूज में लेना है। तो यहाँ से हम इस पिन को निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें निकालना है पिन को। ये हमारा प्लस का पिन है, ये याद भी आपको रखना है। ये हमारा प्लस में लगा हुआ था और ये हमारा माइनस में लगा हुआ था। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, इन पिनों की जो वायर है थोड़ी सी लंबी कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने पुरानी वायर को हटा के इस वायर को थोड़ा सा लंबा कर लिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो प्लस वाली वायर जिस साइड लगी थी उसी साइड आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ से इसको हम चार्ज करेंगे। अगर आपने यहाँ पे प्लस माइनस उल्टा कर दिया तो यहाँ पे ये जो हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है ये खराब हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ से जब वायर हटाई थी तो यहाँ पे मैंने देख लिया था, जैसे कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो हमारा प्लस इस साइड में था, माइनस इस साइड में था, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे वायर को लगाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको खास करके ध्यान रखनी है। अब ये जो दो वायर है इसका कनेक्शन देखिए फ्रेंड यहाँ पे होगा। ये जो हमने रेड और ब्लैक कलर की ये जो दो वायर है इसको देखिए यहाँ पे हम जोड़ेंगे। ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और फोकस कर लूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड, ये देखिए इस साइड में आप देखोगे तो ये हमारा प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पे हम रेड वायर को जोड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा माइनस का सिंबल है, तो यहाँ पे हम ब्लैक वायर को जोड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस कनेक्टर की जो प्लस माइनस वाली वायर है इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से जोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन है ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस कनेक्टर को देखिए यहाँ पे फंसा देना है, जैसे ये पहले फंसा हुआ था इसी तरीके से हमें इसे फंसाना है। तो ये देखिए, इसको मैंने अपनी जगह पे फिट कर दिया है। ये जो हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है इसको देखिए हम थोड़ी सी डबल टेप लेंगे। ये देखिए, मैंने इतनी सी डबल टेप ली है और इसको देखिए इस तरीके से निकाल के इसके पीछे चिपका देना है हमें। इस तरीके से हमने चिपकाया और इसको बैटरी के यहाँ पे लगाना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसको फिक्स कर देना है। यहाँ पे ये हमारा मॉड्यूल फिक्स हो गया है। अब उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, जो इसके ऊपर का ये कवर है इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। और लगाने के बाद देखिए फ्रेंड, इसके जो पेच है इसको हम टाइट कर देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मैं टाइट कर रहा हूँ इसके पेज को। सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि मैं आपको वीडियो कटिंग करके दिखा रहा हूँ या फिर और कुछ करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके हम तीनों पेज को टाइट करेंगे। देखिए पेज यहाँ पे टाइट करना जरूरी है। तो इस तरीके से तीनों पेज को हम टाइट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने तीनों पेज को टाइट कर लिया है। अब चलिए सबसे पहले मैं इस ट्रिमर को आपको चार्ज करके दिखाता हूँ कि ये चार्ज कैसे होगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये इसका चार्जर है। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको चार्ज लगाएंगे, जैसे पहले लगाते थे उसी तरीके से हमने इसको चार्ज लगाया। तो यहाँ पे जो परसेंटेज बढ़ती थी ना, वो हमारी इसके अंदर डिस्प्ले लगी हुई थी इस वजह से होती थी। तो हमने डिस्प्ले तो लगाई नहीं है। तो ये जो हमने TB4056 मॉड्यूल लगाया है, तो इसके अंदर हमारी रेड लाइट जल रही है। और इसका फायदा ये होता है कि जब तक हमारी बैटरी चार्ज होगी तब तक रेड लाइट जलेगी, और जैसे हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो इसके अंदर नीली लाइट जलेगी। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई, हमारी बैटरी फुल हो गई है। तो ये टेंशन भी हमारी खत्म होगी कि बैटरी कितनी देर में फुल होगी हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें इसके कलर से पता चल जाएगा। अगर नीला कलर जलने लगेगा तो समझ जाओ बैटरी फुल हो गई है। तो अभी बैटरी थोड़ी डाउन है, इसलिए यहाँ पे ये चार्ज हो रही है। तो यहाँ पे कुछ बैटरी इसकी चार्ज है, तो इसको हम एक बार निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद देखिए फ्रेंड, अब मैं इस ट्रिमर को चला के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रिमर हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। और यहाँ पे देखिए, मैं थोड़े से बाल वगैरह कट करके भी दिखा दूँ आपको। तो ये देखिए, बाल वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से ये काट रहा है। ये देखिए, आपको साफ साफ चलता होगा, एक बार बंद कर दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे जो बाल हैं मेरे हाथ के कट गए हैं। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी ट्रिमर हो, कंपनी मैटर नहीं रख रही, कोई भी ट्रिमर हो, उसके अंदर का सर्किट खराब हो गया, जल गया है, या किसी कारण से आप रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो इस तरीके से आप अपनी ट्रिमर मशीन को बना के दोबारा से यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।